एनसीपी प्रमुख शरद पवार बोले कि हमारे पास नंबर है, सरकार तो हम ही बनाएंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी के अजीत पवार ने मिलकर सरकार बना ली है। शनिवार सुबह देवेंद्र फडणवीस ने जहां सीएम पद की शपथ ली तो वहीं अजीत पवार को डिप्टी सीएम का पद सौंपा गया है। लेकिन शिवसेना एनसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद महाराष्ट्र का सियासी पारा फिर चढ़ गया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि हमारे पास नंबर है और सरकार तो हम ही बनाएंगे। शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार के साथ 11 विधायक गए थे, लेकिन हम सब एकजुट है। बीजेपी बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। अजीत पवार के बागी तेवर पर शरद पवार ने कहा कि अनुशासनात्मक कमेटी उन पर फैसला लेगी। वहीं शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार के साथ 11 विधायक गए थे, इसमें 2 विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। खैर, हमारे पास नंबर है और सरकार तो हम ही बनाएंगे। रहा सवाल अजीत पवार पर एक्शन का, तो वो पार्टी की अनुशासनात्मक कमेटी लेगी। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना जो करती है वो दिन के उजाले में करती है। हम लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं और वे लोगों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये जो खेल चल रहा है वो पूरा देश देख रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी को ना तो मित्र चाहिए और ना ही विपक्ष। इन लोगों ने हरियाणा और बिहार में भी यही किया था। आज जो हुआ वो छत्रपति शिवाजी महाराज पर सर्जिकल स्ट्राइक है। वहीं शरद पवार ने दावा किया है कि देवेंद्र फडणवीस बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। हम सब एकजुट है। अजीत पवार के पास जो चिट्ठी थी उसमें सभी 54 विधायक हस्ताक्षर थे। शरद पवार ने कहा कि आज शाम की बैठक में आगे का फैसला तय होगा। हम जो निर्णय लेंगे वो शिवसेना की सहमति के बिना नहीं लेंगे। मुझे कोई चिंता नहीं है, पहले भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है। हमें राज्यपाल ने 30 नवंबर तक का वक्त दिया है। हमारे पास नंबर है और हम ही सरकार बनाएंगे। वही हम आपको बता दें कि अजीत पवार के साथ गए विधायक राजेंद्र शिंगणे ने कहा कि हमें अजीत पवार ने फोन किया था, हमें नहीं पता था कि हमें कहां ले जाया जा रहा है। वो विधायक दल के नेता थे तो उनका फोन आया, इसलिए हम चले गए। हमें शपथ ग्रहण का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हम शरद पवार के साथ हैं।